सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है गाइस कि हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री गिवन है एंड दो नोड वैल्यूज गिवन है n1 एंड n2, एंड हमें फाइंड करना है कि इन दोनों नोड्स का जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है इस बाइनरी सर्च ट्री में, उसे हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो चलिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लेट सपोज ये हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, एंड लेट सपोज हमारे पास n1 गिवन है 31 एंड n2 गिवन है हमारे पास 36। लेट सपोज हमारे पास ये दोनों नोड्स गिवन है n1 31 एंड n2 36, एंड हमें क्या करना है, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर बताना है। अच्छा, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर होता क्या है, फिर बात आती है। तो लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर ऐसा नोड होता है गाइस, लेट सपोज ये हमारे पास बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर वो वाली नोड होगी। लेट सपोज इन दोनों नोड्स के बीच में हमें लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर बताना है, तो लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर ऐसी नोड होगी जो कि क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जन होगा। अगर हम लोग रूट नोड टू रूट पाथ की बात करें, अगर इन दोनों का हम लोग नोड टू रूट पाथ की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है हमारा वो यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, इस नोड को रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया कि एंसिस्टर, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर वो वाली नोट होती है। अगर हम लोग ऊपर से देखें तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जन जो होगा हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जन होगा फ्रॉम द टॉप, उस नोड को हमें क्या करना होगा, उस नोड को हमें रिटर्न करना होगा, वही हमारा क्या होगा, लॉन्गेस्ट कॉमन एंसिस्टर होगा। ठीक है, तो अगर इस केस में देखें हम लोग, जो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, इस केस में हम लोग अगर लॉन्गेस्ट कॉमन एंसिस्टर की बात करें तो 31 एंड 36 के बीच में जो कॉमन नोड है उसे हमें फाइंड करना है। तो 36 का अगर हम लोग नोड टू रूट पाथ देखें तो वो कुछ ये हो जाएगा, एंड 31 का हम लोग अगर नोड टू रूट पाथ देखें तो वो कुछ ये हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है वो 32 वाला नोड है, यहाँ से इन दोनों के जो पाथ्स है वो डाइवर्ज हो जाती हैं, तो ये इनका कॉमन एंसिस्टर है, तो यही इनका क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 32 को रिटर्न कर देंगे, तो हमें ये फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, तो मैंने जो है लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर जो है बाइनरी ट्री में ऑलरेडी बता रखी है, तो आप लोग उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। बट उसमें दिक्कत क्या थी कि उसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था उस वाले फंक्शन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो था वो बिग ओ ऑफ एन था। बट यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है, एंड बाइनरी सर्च ट्री में हमें पता है कि किसी एक पार्टिकुलर नोड के राइट हैंड साइड पे उससे बड़ी वैल्यूज आती हैं एंड उसके लेफ्ट हैंड साइड पे उससे छोटी वैल्यूज आती हैं। तो हमें ये पता है, तो हमें इस क्वेश्चन को किसमें करना होगा, हमें इस क्वेश्चन को एच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना होगा, बिग ओ ऑफ एच में या फिर बिग ओ ऑफ लॉग एन में, ताकि हम लोग बाइनरी सर्च ट्री का फ़ायदा उठा सकें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट सपोज हमारे पास जो n1 एंड n2 गिवन है, अगर ये किसी पर्टिकुलर नोड से, ये दोनों ही जो n1 n2 गिवन है, ये दोनों ही नोड्स अगर किसी पर्टिकुलर नोड से छोटे हुए तो हम लोग लेफ्ट रिकर्सिव कॉल लगा देंगे अपने, एंड अगर ये n1 एंड n2 जो है किसी पर्टिकुलर नोड से बड़े होते हैं, ये दोनों ही नोड्स उससे बड़े होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने राइट हैंड साइड पर रिकर्सिव कॉल लगा देंगे। एंड जब भी हमारे पास ऐसा केस आ जाएगा कि n1 एंड n2 जो है वो इस नोड से, ना ही ये दोनों नोड छोटी है ना ही ये दोनों नोड बड़ी है, तो उस टाइम पे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो हमारा लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर है वो कुछ नहीं है, यही वाला नोड है, क्योंकि ये वाला नोड है, क्योंकि यहीं से हमारा क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जन जो है वो स्टार्ट हो जा रहा है, मीन्स 32 का पाथ अलग हो जा रहा है एंड 36 का पाथ अलग हो जा रहा है, तो यही जो पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, लोएस्ट कॉमन एंसिस्टर होगा। तो अगर इस एग्जाम्पल से देखें, तो इस एग्जाम्पल में मैं आपको अगर बताऊँ, तो इस एग्जाम्पल में हमें 31 एंड 36 फाइंड करना है। तो 31 एंड 36 जो है इस नोड से दोनों ही छोटे हैं, तो हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे, देन हम लोग 30 पे हैं, देन हमें क्या पता चल रहा है कि 30 से जो है ये दोनों ही नोड्स बड़े हैं, तब हम लोग कहाँ आएंगे, अपने राइट हैंड साइड पे आएंगे। फिर 37 में हम लोग चेक करेंगे, तो 37 में भी हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो दोनों नोड्स हैं ये 37 से छोटे हैं, तब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, 32 पे आ जाएंगे। बट 32 वाला जो नोड है वो 31 एंड 36 के बीच में आ रहा है, मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ से जो है ये दोनों नोड्स जो है वो अलग अलग हो गए, एंड यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे 32 को। तो ये काफ़ी सिंपल सा फ्लो था गाइज, हम लोग बस बाइनरी सर्च ट्री के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हमें पता चल रहा है कि अगर ये दोनों ही नोड्स किसी पर्टिकुलर नोड से छोटी है तो हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चले जा रहे हैं, एंड अगर हमें पता चल रहा है कि वो दोनों नोड्स किसी पर्टिकुलर नोड से बड़ी है तो हम लोग उसके राइट हैंड साइड पे चले जा रहे हैं। एंड जब ये दोनों ही केसेस फॉल्स हो जाती है, तब हमें क्या पता चल जाता है कि यही हमारा पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है, यहीं से इन दोनों नोड्स का जो पाथ है वो डाइवर्ज हो चुका है,
तो हमें इसी नोड को रिटर्न करना है, तो हम लोग सिंपली 32 को रिटर्न कर देंगे। तो अगर इस फंक्शन की हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो इस फंक्शन का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगा, वो बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगा। बिग ऑफ लॉग एन क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर उसके राइट हैंड साइड पर जा ही नहीं रहे हैं। हम लोगों ने 50 को चेक किया एंड 50 से हमें पता चला कि जो दोनों नोड थे वो दोनों ही नोड उससे छोटे थे, तो हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड पर जा रहे हैं, हम लोग उसके राइट हैंड साइड पर जा ही नहीं रहे हैं, हम लोग उसके राइट हैंड साइड को डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। तो जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वो कांस्टेंट हो जाएगा अगर रिकर्सन स्पेस को ना देखें। अगर रिकर्सन स्टैक वाली स्पेस को ना देखें तो हमारा जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी एंड जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ लॉग एन हो जाएगा। तो ये था गाइस इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए इसको मैं कोड करके दिखा देता हूँ, उससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा बेस केस कि अगर इफ़ रूट इज़ डबल इक्वल्स टू नल है तब हम लोग क्या कर देंगे, तब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू नोड एंड -1 रिटर्न कर देंगे। बेसिकली कि हमें कुछ नहीं मिला तब हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे, मीन्स उन दोनों नोड्स का लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं। ठीक है, फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा जो n1 है वो अगर रूट डॉट डेटा से छोटा है एंड जो हमारा n2 है वो भी हमारे रूट डॉट डेटा से छोटा है, तब हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, तब हम लोग कॉल लगा देंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो रिटर्न LCA एंड रूट डॉट लेफ्ट एंड यहाँ हम लोग पास कर देंगे n1 एंड n2। सिमिलरली हम लोग चेक कर लेंगे कि else if कि अगर n1 जो है वो रूट डॉट डेटा से बड़ा है एंड जो हमारा n2 है वो भी रूट डॉट डेटा से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे LCA एंड हम लोग कहाँ कॉल लगा देंगे, अपने राइट हैंड साइड पे n1 एंड n2। एंड अगर ऐसा नहीं है, मींस यही हमारा पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे इसी को। तो ये काफ़ी सिंपल सा कोड था गाइस। तो इसको आप लोग रिकर्सिव वे में भी कर सकते हैं, इसको आप लोग वाइल लूप लगा के भी कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो रिकर्सन स्पेस है वो भी यूज़ नहीं होगी, तो उसको आप लोग अपने से कर लेना। मैं यहाँ पर रिकर्सन का यूज़ करके बता देता हूँ। तो हमारा जो आउटपुट है वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन है गाइस वो सबमिट भी हो रहा है। तो आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था एंड हम लोगों ने सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा गाइस एंड ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।